और आप दुनिया की कुछ बड़ी खबरें देखते हैं वर्ल्ड न्यूज में। चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। बांग्लादेश पर भी ड्रैगन के नापाक मंसूबों के चपेट में आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार चीन के साथ विकास साझेदारी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। उन्होंने कहा कि ढाका विदेशी सहायता के लिए किसी देश विशेष ऐप पर पढ़े नहीं है। ध्यान रहे कि दुनिया में छोटे देशों पर चीन को लेकर चिंता की स्थिति है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर भारत तक भूकंप के जोरदार झटके। मंगलवार रात करीब 10:17 पर अफगानिस्तान पाकिस्तान चीन से लेकर भारत में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हिंदू कुश रिजीन रहा, जहां इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। ऐसी रिपोर्ट है कि तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान चीन और किर्गिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भूकंप से लगभग 10 और पाकिस्तान में लगभग 11 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर हैं, जहां वो देश के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वैसे ये पहला मौका है जब रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद चीन के राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया है। इससे पहले शी जिनपिंग ने साल 2019 में रूस का दौरा किया था। वहीं चीन के शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीनी प्रस्तावों को यूक्रेन में शांति समझौते के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी सरकार अमेरिका की पाबंदियों का जवाब पाबंदियां लगाकर ही दे रही है। रूसी सरकार ने एक अमेरिका की प्रतिष्ठित ब्रांड एप्पल के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। समाचार पत्र बिजनेस डेली कॉन्सेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रूसी प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के वो सदस्य हैं जो घरेलू मुद्दों में काम कर रहे हैं, वो मार्च अंत तक एप्पल के डिवाइस इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ये फैसला रूसी सरकार ने यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बाद जासूसी की आशंका के चलते लिया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई जापानी प्रधानमंत्री ने जंग में शामिल किसी देश का दौरा किया हो। इसके साथ ही ये G7 ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर किसी एशियाई देश के नेता की पहली विजिट रही। जापान टाइम्स के मुताबिक भारत से निकलने के बाद किशिदा पहले स्टेट प्लेन से पोलैंड पहुंचे, यहां से वो ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे, जापान और G7 देशों के अध्यक्ष के तौर पर यूक्रेन को समर्थन का ऐलान किया।